हाँ जी सर। ओए हेलो कोको कोको, इधर देख रहा है? हाँ चल, बैठ रहता है, कुछ काम करता नहीं है। चल कुछ काम धंधे पे लग बेटा, ऐसे खाली नहीं बैठते, कुछ कमा के लेकर चल। ट्यूशन पढ़ा तू भी मेरे साथ, ठीक है? चला जा, एक आधा बहस ले लेना। ये पढ़ाने के नाम से किसी आंखें बंद कर रहा है। ओए कोको सुन रहा है? ये देखो ये बैठा रहता है, ये कुछ और नहीं काम करता है, बस इसका काम बैठे रहने का है या सोने का है। चलो चल, चलता हूँ, बाय 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 कोको भाई। हाँ जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बहुत स्पेशल जगह, और हमारे साथ में ये भाई मिस्टर अमान सलमानी। हाय बोलो इंशाल्लाह। तो अमान तो आप मेरे साथ बने रहो और फिर देखते हैं, और आपको रास्ते कभी भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अमन भाई आप चलाओगे? मैं चलाऊं? चलो आप चलाओ, पीछे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? हेलमेट पहने ना मगर आप। चलो यह है आज हमारे पास में हमारी रॉयल इनफील्ड की बाइक जिस पर आज हम जा रहे हैं, और ये देखिए चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे अमन भाई इसमें पूरा चार्जिंग का प्लग इन करके लेके आए सारा, पर ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ दूर से इसका, ठीक है? तो इस पर हम जाएंगे, और ये है हमारा मीटर, ये है हमारे अमान भाई। चलो ठीक है अमान भाई, हेलमेट बस हमारे साथ रहोगे तो यार वो थोड़ा सा रूल फॉलो करने पड़ेंगे। चलो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत जरूरी है। अच्छी अच्छी जगह विजिट करेंगे, खाने की जगह है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वही आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ जलंधर कैंट में है, बाकी जगह कौन सी है वो मैं वहीं जाके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद एक जगह और जाऊँगा जो बहुत फेमस है यहाँ पर, वो सब आप जानते ही होंगे जो जलंधर के हैं, जो बाहर के हैं वो नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह वहाँ पे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, और इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अरे सर कुछ कहना चाहते हैं आप? है बोर तो नहीं हो रहा आप? ये अमान भाई साथ चला रहे हैं, चलाने में मस्त है, और मैं आपके लिए थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे पीछे बिठाया है कि आप करो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, बड़ा थोड़ा केयरफुल बाइक से कैमरा गिर भी सकता है। तो ये चला रहा है हमारा भाई, और चलिए इंशाल्लाह आगे जाके मिलते हैं आपसे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे लेफ्ट साइड में जो ग्राउंड दिखा है आपको, वो पूरा तो दशहरा ग्राउंड है यहाँ का जलंधर कैंट का, भैया माशाल्लाह। ओह हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब हम पहुँचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस पर हम आए हैं, अमान साहब हमारे साथ हैं, और हम आए हैं यहाँ पे, ये देखिए। हाँ जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो गैस? कैसा काम वाम और शुरू? ठीक है, बड़ा हो गया तो पहले से है। हाँ जी अच्छा अमान जी, देखो जी हम आपके लिए अपने दर्शकों को दिखाने के लिए लेके आए हैं कैमरा ऑन करके, क्योंकि हमने कहा यार हमारी फेवरेट बिरयानी है, तो एटलीस्ट एक बार तो बंदे को पता चले कि यार हाँ कहाँ है ये। तो ये बिरयानी वगैरह आप उतार के दोगे ना, मैं उनको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी आपने ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं जितने भी बंदे देख रहे हैं जो आपको आए, आप उनको एक दो बोटी ज्यादा दोगे, ठीक है? बोटी ज्यादा ठीक है ना, ये पैसे भी कम कर लोगे। नहीं माशाल्लाह, बस आप अच्छा खाना खिला दो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ यार बहन ऑयल इतना कम है ना आपका, कसम से, मतलब
टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट रियली अप्रिशिएट इट, आई जस्ट लव इट। तो अमान भाई भी कोई पसंद है, अमान भाई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए लोग तो एक बार यहाँ से निकलते हुए ना जब भी हाईवे से जाए तो खा के जाए, तो बाकी मैं दिखाता हूँ उनको, आपको मैं दिखाता हूँ जी, फिर देखते हैं। चलो हमारी आ गई है और ये आप देखिएगा कि कितनी आपको देखने में अच्छी लग रही होगी। ये देखिए पीस कितने नीट एंड क्लीन है, ये देखिए। और इसके अंदर बिल्कुल भी देखो आपको ऑयल एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इतना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना है। कहीं और हम खाने जाते हैं, मैंने कितनी जगह खा लिया, मुझे आज तक कहीं की बिरयानी अच्छी नहीं लगी, पर ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई की भी आ गई है माशाल्लाह, थैंक यू भाई। तो अभी इसको आप मैं टेस्ट करता हूँ, मैंने तो बहुत टेस्ट किया है, आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये मेरी फेवरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर से दीपनगर से गुजरे, दीपनगर में जलंधर कैंट में ये मौजूद है। तो आप खाते हुए जाएं, ज़्यादा काम इनका पैकिंग का। अमान भाई आप थोड़ा सा दिखा दोगे इनका सीटिंग का अरेंजमेंट, ये इस तरह से इनका सीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि लवली यूनिवर्सिटी के ज़्यादा बच्चे हैं वो ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपनगर में जो है वो ज़्यादा हॉस्टल के बच्चे रहते हैं लवली के, जिनको यहाँ पीजी मिल जाता है सस्ते में, और पास पड़ता है लवली यहाँ से मुश्किल से हार्डली 2-3 किलोमीटर दूर है बस, तो उनके लिए और ज़्यादा इनका पैकिंग का काम। ये हमारे अमान भाई बिरयानी चखते हुए, अमान भाई कैसे लग रही है बिरयानी? एंड एंड मतलब एंड हो गई, खत्म हो गई एंड, मतलब अच्छी तबाही, ठीक है चलो माशाल्लाह। ये हमारी कोकोला उसके थम्स अप, चलो ये बिरयानी हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया अच्छे से, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे रास्ते में मस्जिद में कहीं रुक के, और उसके बाद थोड़ा कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी पिएगा चाय, ठीक है तो कॉफ़ी या चाय कुछ ना कुछ पिएंगे और फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अमान भाई ये अमान भाई साथ में पकड़ो जरा इसको बस, दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, जिंदगी है तेरे नाम, तू मेरा है पिया। अजान हो गई? अच्छा गुरुद्वारे में कुछ चल रहा है, बैठो जी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई जी हमारी, देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चों को दिखाओ, वो ले के आ इसको, ले के आ दोस्त, वो अड्डी पकड़ना इसको, यार बढ़िया है उसका बच्चा, दिखा कितना प्यारा लग रहा है, दिखेगा नहीं शायद रात ज़्यादा हो गई। चलिए जी हमारी नमाज हो गई जी मगरिब की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें थोड़ी लेट भी हो गई थी, जमात निकल गई हमारी, अगले बार से अल्लाह ताला हमें कॉफ़ी भी टाइम पर पहुँचे। एक्चुअली इस मस्जिद का हमें पता नहीं था, किसी ने बताया यहाँ पे अंदर आके है, ये काफ़ी अंदर जाके है, तो गुजरों वाली मस्जिद कहते हैं इसको, मुझे पता लगा। तो यहाँ ठीक है अमान भाई आपको पूरा गाइड कर रहे हैं, आज की गाइड मिस्टर अमान है, थोड़ा सा बनाओ ना दिखाओ लोगों को, दिखा रहा हूँ ना, चलो माशाल्लाह देखिए कैसे। हाँ जी भाईजान कहाँ पे लगानी है पार्किंग में? आगे बाइक का अच्छा सर दिखाओ ना कितना प्यार हुआ है अच्छे से, दर्शक नाराज हो जाएंगे फिर आपसे क्या आपने सर्विस कवर नहीं की। अच्छा पंजाबी लोग ज्यादातर ऐसे क्यों बोलते हैं हवेली, जोर दे क्यों बोलते हैं? अरे भाई साहब आपको मुस्लिम लगता है मुझे, अभी भी डर लग रहा है हमें, अगर किसने आउट ऑफ कैंडी से कैंडीज लेनी है तो हवेली स्टार्टिंग की हवेली की पार्किंग आ गई है, और ये पीछे एजीआई जलंधर हाइट्स के फ्लाइट हैं, और स्टूडेंट है किसी ने फ्लाइट लेना हो तो आप यहाँ पे आगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
हमने हवेली के पार्किंग में लगा दी थी बाइक अपनी वहाँ पे, और अब हम बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी या कुछ चाय लेंगे, क्योंकि बिरयानी खाई है अभी, कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा कुछ हम गर्म खाएंगे यहाँ से। और मौसम चेंज हो रहा है तो आप सब लोग भी ध्यान रखें अपना। हवेली का जो जलंधर में लोग रहते हैं वो तो उसको आते रहता है, जो नहीं आया वो एक बार ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह से, बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा। देखिए देखिए बस चेक करिए आप, रश बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, किसी भी दिन आ जाओ आपको सारा दिखा रहा हूँ। रूट किस्ट है यहाँ की जगह आप चेक कर सकते हैं, आप इसे स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें रेट लिस्ट पता करनी है। तो यहाँ जब भी आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आए, क्योंकि यहाँ पे रश तो मिलेगा आपको। इट डज नॉट मैटर ऑन द डे ऑन विच डे यू आर कमिंग, बट देयर इज ऑलवेज रश। बाकी बैठने की भी आपको जगह मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, तो आप इस हिसाब से आइएगा कि आपको अगर खड़े होकर भी खाना पड़े तो आप खा सकें। बाकी वैसे इतना मुश्किल नहीं है, मिल जाता है बैठने का सिस्टम, पर रश तो ये होता ही है। तो फैमिलीज के साथ में यू कैन डेफिनेटली कम एंड देन एंजॉय। आज जैसे संडे है तो आज संडे की वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा रश होता है, वीकेंड्स पे थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको बताइए सबको कि वीकेंड्स पे तो रश मिलना है, लेकिन विदाउट वीकेंड भी आप आओ तो यहाँ पे रश ज़्यादा ही रहता है। देखिए इस तरह से आपकी सीटिंग की होती है सिस्टम, तो आप आराम से बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्होंने किया हुआ है ये, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा गाड़ियों का, जो ये देखिए हवेली का पूरा, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं अच्छे से। और ये देखिए आप, तो देखिए आप फैमिली के साथ आके बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ बैठ के चाय पीता हूँ, यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पीते हैं पूरा प्रॉपर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेल बनाया हुआ है, नीचे से बाल्टी को काटा हुआ है। नहीं नहीं भाई ओके, चलिए जी हम थोड़ा कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह ले लें, फिर आपसे मिलते हैं। अमन भाई क्या लिए, कॉफ़ी लिए चाय लिए, गरम तो नहीं है ये? देखिए जी चाय चेक करें आप, गरम तो है भाई, आ जाओ। अमान साहब कैसा लग रहा है, कुछ थोड़ा फीडबैक तो दो, हाउ यू आर फीलिंग? टू अमेजिंग, हवेली स्पेशलिटी। ओके चलो माशाल्लाह। ये देखिए जी बच्चों के लिए जलंधर में एंट्री करते हैं ना, जलंधर एंड से जस्ट पहले है ये देखिए, तो काफी बहुत ही हाइजेनिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन, तो कुछ ऐसा नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं हाईवे, ये NH1 है, और पार्किंग की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती,
तो ऐसा सच कोई पार्किंग की आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप यहाँ पर आए। चलिए जी, देखिए यहाँ पे मगर ये थोड़ा सा बाहर जो है आपको हमेशा जाम मिलता है और जाम लगा होता है, तो ये थोड़ी सी है मुश्किल, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब आप आए तो खाना आपको बहुत टेस्टी मिल जाता है, तो खाना अगर टेस्टी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मतलब यू कैन फाइंड डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड हियर एंड देन ऑब्वियसली यू विल फील गुड एज कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस इन जलंधर। हवेली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ विजिटिंग ऑफ द पीपल, सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड देन यू कैन एंजॉय योर मील। अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर पार्किंग एरिया वेयर वी कैप्ट अवर बाइक, सो वी आर गोइंग टू टेक अवर बाइक फ्रॉम देयर एंड देन वी विल बी गोइंग बैक टू अवर प्लेस जलंधर। चलिए जी, हमारा तो विजिट हमने कर लिया है, सारा हो गया, चाय वगैरह पी ली हमने अच्छे से, अब निकलते हैं घर के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जहाँ भी नेक्स्ट विजिट करूँगा मैं नेक्स्ट संडे, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, माँ बाप की दुआएं लेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।